धर्म में महादेव को देवों के देव कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। यूं तो भगवान शिव शंकर दयालु व करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रौद्र रूप में भी देखा गया है, इसलिए शिव का एक नाम रुद्र भी है। सभी जानते हैं भगवान शिव की तीन आंखें होती हैं और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध या रौद्र रूप का प्रतीक है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। पौराणिक कथाओं में भगवान के त्रिनेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योति पुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योति पुंज को ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया। जब पार्वती ने शिव जी से तीसरी आंख का रहस्य पूछा तब शिव जी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। अगर वह ज्योति पुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आंख बंद रखते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है।